राजधानी देहरादून से है, जहां पिछले 18 वर्षों से मनाई जाने वाली हरितालिका तीज इस बार 1 सितंबर को मनाई जाएगी। गोरखाली सुधार सभा की प्रभा शाह ने बताया कि हरितालिका तीज व्रत में सुहाग की लंबी आयु के लिए 3 दिन उपवास किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव से विवाह करने के बाद पार्वती ने शिव की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा था। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि व्रत से पहले महिलाएं अपने मायके जाती हैं, जहां उनके मायके वाले उन्हें भर पेट पारंपरिक व्यंजन खिलाते हैं ताकि उनकी पुत्री को कोई कष्ट ना हो। वहीं उपवास के बाद 4थे दिन पारंपरिक व्यंजन का सेवन कर उपवास खोला जाता है। आपको बता दें कि इस बार हरितालिका तीज पर मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये उनका महिलाओं का सुहाग का व्रत होता है, जैसे एक करवा चौथ का व्रत होता है, उसकी तरह ही हमारा 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है। ये महिलाएं ये व्रत सबसे पहले पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए लिया था। पार्वती जी ने इसको निर्जला व्रत 16 वर्षों तक रखा था। इसी व्रत इसी परंपरा को रखते हुए हम महिलाएं भी 36 घंटे का निर्जला एकादशी व्रत रखते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं, जिसको कि हम लोग इसको एक पर्व के रूप में मनाते हैं। कि हम सुहागन महिलाओं का, हिंदू महिलाओं का बहुत बड़ा त्यौहार है, न केवल गोरखा महिलाएं बल्कि मध्य प्रदेश और या बॉर्डर के बिहार की लाइन में बहुत लोग इसको मनाते हैं। और ये जो त्यौहार है ये भाद्र मास की द्वितीया को मनाया जाता है।